हेलो फ्रेंड्स, सोलरपुर रैबिट फार्म में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक अंगोरा है, जर्मन अंगोरा है, ठीक है। तो जर्मन अंगोरा आ चुका है और एक फीमेल है, ठीक है। और आने के बाद लगभग एक हफ्ते के ऊपर हो चुका है और सारे के सारे एकदम फिट एंड फाइन है। दो फीमेल लिया था मैंने, ठीक है, और दो मेल लिया था। तो ये एक फीमेल है, ठीक है, उसके साथ इधर एक मेल है, ये वाला भी एक मेल है और ये वाला एक फीमेल है, ये सो रहे हैं अभी, ठीक है। एक फीमेल है और एक मेल है, अभी सो रहा है इधर। तो फ्रेंड, हमने मतलब जो सोचा था कि ये लोग मतलब इस वेदर के साथ मतलब एकदम ठीक ठाक से रह पाएंगे कि नहीं, ठीक है, तो ये लोग मतलब एकदम ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब दोपहर के टाइम में थोड़ा बहुत मतलब गर्मी के कारण होता है इशू, क्योंकि मैंने अब देखो गाइस, एक हाई स्पीड मतलब पंखा लगा दी ऊपर में, ठीक है। और जो नया वाला फार्म है ना, तो उधर हम लोग एक एग्जॉस्ट फैन भी लगाने वाले हैं, और अगर इसमें भी नहीं हुआ तो शायद एसी लगाने वाले हैं, और लगा भी सकते हैं नहीं भी, क्योंकि जो एसी होता है ना, एसी या फिर जो रेफ्रिजरेटर होता है, तो वहाँ से सीएफसी रिलीज़ होता है। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही बुरा है। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो का मतलब टॉपिक वगैरह है, तो वो यही है कि अंगोरा आने की खुशी में हम लोग जो न्यूजीलैंड ब्रीड का रैबिट है, ठीक है, वो जो वाइट वाला होता है या फिर न्यूजीलैंड का जो भी कलर का होता है, ठीक है, न्यूजीलैंड का रैबिट हम लोग 120 रुपीज़ में पर पीस में सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो दिखा देते हैं कि कौन कौन सी मतलब ब्रीड अवेलेबल है, और न्यूजीलैंड ब्रीड के साथ और भी ब्रीड है, जैसे कि राशियन चिलचिला है, और एक एडल्ट बेल्जियम भी है, फीमेल है, और वो एडल्ट बेल्जियम का जो भी फीमेल है, ठीक है, वो ये ऑफ़र है ब्रीडर लोगों के लिए, क्योंकि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ट्राई कलर का रैबिट, ठीक है, बेल्जियम का मतलब मिलना बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि ए रैबिट का उम्र लगभग 1 साल से ऊपर है, ठीक है, और जो आपका 1 साल से ऊपर हो जाता है उनका जो बच्चा का मतलब देने का जो क्वांटिटी होता है वो लगभग 6 से 7 के ऊपर हो जाता है। तो हर बार ये लोग 6 या फिर 7 ऐसा करके मतलब बच्चा देता है। तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए एकदम पूरा, ठीक है, उसके बाद आप लोग कमेंट करना, और अगर मतलब कोई भी ब्रीड का कुछ प्राइसिंग इशू समझ में ना आए तो आप लोग मतलब बोल सकते हैं मुझे फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप पे। और एक बात है दोस्त, मतलब अंगोरा के ऊपर एक पूरा वीडियो आएगा, एक पूरा सा वीडियो आएगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना है। उस वीडियो का एडिटिंग का काम भी चल रहा है अभी, तो वो वाला आएगा, और एक पूरा एपिसोड आएगा एक एक करके कि कैसे हम लोग एक रैबिट को मतलब जो एक एक बीमारी होने के बाद कैसे मतलब उनको ट्रीटमेंट करें, और उनको मतलब जो मेडिसिन वगैरह होता है, तो एक एक मतलब डिजीज़ को लेके एक एक मतलब सिंपल सी वीडियो बनाएंगे, जैसे कि मतलब मान लीजिए कोई डायरिया का, एक हीट स्ट्रोक का, ऐसे करके एक एक करके बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये सारे के सारे न्यूजीलैंड ब्रीड है, ठीक है, और जो एस कलर में है वो है राशियन चिलचिला, प्योर ब्रीड का, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मत समझना कि जो राशियन चिलचिला है वो भी 120 मतलब रुपीस का ही है, ठीक है। ये जो सारे के सारे आप न्यूजीलैंड ब्रीड का देख रहे हो, ये अभी 3.5-4 महीने का है, ठीक है, और ये जो है ना कलर है वाला, तो ये भी न्यूजीलैंड ब्रीड का है, सिर्फ ये एस कलर को छोड़ के ये राशियन ब्रीड का है, ठीक है, ये वाला भी है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये सारे के सारे न्यूजीलैंड वाइट का है, और ये वाला थोड़ा सा कलर में है, ग्रे कलर का मतलब टोटली कॉम्बिनेशन है ऊपर और नीचे है, और इसका आई का कलर भी रेड नहीं है, ब्लैक है उसका, और ये छोटा सा है, ऐसे ही करके कुछ मार्केट में मिलता है, लेकिन इतना छोटा हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये अभी जो मम्मी का दूध नहीं छोड़े हैं, ठीक है, तो माँ का दूध का विकल्प सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं होता, तो इसीलिए हम उसको नहीं बेचेंगे, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद हम लोग सेल करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी जो ब्रीड आप लोग देख रहे हैं ये है बेल्जियम का, ठीक है, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बोला है,
तो ये एक प्योर ब्रीड का फीमेल है और इसका उम्र है लगभग 1 साल के ऊपर। हर एक बार ये लोग 6 से 7 करके बच्चा देता है, मेरे पास ही देता है। ठीक है, तो अभी अंगोरा आ गया तो जगह का थोड़ा सा मतलब शॉर्टेज हो रहा है, तो इसीलिए इनको हम सेल करने वाले हैं। आप अगर सही से गौर से देखेंगे ना तो उनका बाल थोड़ा सा कम था, लेकिन 1.5-2 महीनों में इनके जैसा बाल हो जाएगा, क्योंकि हर एक फीमेल रैबिट अपना फार निकाल के, ठीक है, तो एक गद्दी बनाता है तो उसके ऊपर बच्चा देता है, तो इसीलिए 1.5-2 महीने बाद उनका फार फिर से ठीक हो जाता है। एक मेल है, ठीक है, इनके जैसा ही 1.5-2 महीने में फार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय बंगाल, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु।